नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं को उल्टियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। उल्टियाँ होना क्या क्या संकेत करता है और काफ़ी ज़्यादा अगर उल्टी आपको होती है, पानी पीने पे भी आप वोमिट करती रहती हैं जब से आपको आपकी प्रेगनेंसी का पता लगा है तभी से, तो फिर ये किस बात की ओर इशारा करता है, ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और इस वीडियो में आपको जो भी मैं बातें बताने वाली हूँ वो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब आपको गर्भ रुक जाता है तो आपको गर्भ धारण का पता पूरे एक महीने के बाद लगता है। जब आपकी पूरे एक महीने की गर्भ हो जाती है, उसके बाद जब आपका गर्भधारण होता है, आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो आपके बेबी से जुड़ा होता है एक प्लेसेंटा जो उसको पूरा भरण पोषण, ब्लड का सप्लाई और ऑक्सीजन के सप्लाई देता रहता है पूरे 9 महीने के गर्भावस्था में। जैसे ही ये डेवलप होता है, यानी कि जैसे ही आपके बेबी का प्लेसेंटा तेज़ी से उभरना बनना शुरू हो जाता है, तब आपके बॉडी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। जब ये हॉर्मोन्स तेज़ी से बढ़ने लगते हैं तब महिला के शरीर के अंदर जो महिला की पाचन क्रिया होती है उसे ये प्रभावित करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन आपकी प्रणाली जो होती है उसकी कार्य क्षमता को कम कर देते हैं, जिसके कारण आप जो कुछ भी खाएंगी या पिएंगी वो अब आपको पहले की तुलना में बहुत जल्दी से डाइजेस्ट करने में मुश्किल आने लगेगी। इसी के फलस्वरूप बहुत सारी महिलाओं को खाना पचाने में दिक्कत होती है, कुछ भी खाना खाती हैं तो वोमिटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब 100 में से 80% ऐसी महिला होती हैं जिनको वोमिटिंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान और तीसरे महीने तक ज़्यादा होती है, बाद में फिर ठीक होने लगती है क्योंकि हॉर्मोन्स भी स्टेबल होने लगते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको 9 महीने तक बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती रहती है। अब बात करते हैं 20% ऐसी महिलाओं की जिनको वोमिटिंग नहीं होती है या केवल फील सा होता है लेकिन वोमिट नहीं करती हैं, तो क्या ये सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, वोमिटिंग होना या वोमिटिंग ना होना इससे आपके बच्चे के विकास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगी तो ज़रूर आपका बच्चा कमज़ोर हो सकता है क्योंकि आप खाएंगी और पिएंगी नहीं ढंग से और जो भी खा पी ले रही हैं वो निकल जा रहा है, तो उसका न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व बच्चे तक पहुँचने में दिक्कत होती है। कुछ महिलाओं का शरीर बढ़ता हुआ हॉर्मोन्स जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता और बॉडी इस वजह से कई बार ओवर रिएक्ट करती है। पहले के 3 महीने में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग इस वजह से हो सकता है और कुछ महिलाओं की जो हॉर्मोन्स होती हैं वो काफ़ी आसानी से बढ़ती तो हैं लेकिन वो शरीर के ऊपर एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती हैं, तो वैसे 20% फीमेल्स में वोमिटिंग की टेंडेंसी बहुत कम होती है। अब दोस्तों, अगर वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि सुबह उठने के बाद आपको मॉर्निंग में जो कुछ भी आपका पहला ब्रेकफास्ट होता है उसमें आपको हेल्दी चीज़ें लेनी है और ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना है। सुबह सुबह उठकर अगर लिक्विड डाइट ज़्यादा ले लेंगे, मान लीजिए कि दूध पी लिया, जूस पी लिया, पानी ज़्यादा पी लिया, तो वोमिटिंग फिर ज़्यादा आएगी, वो स्टेबल नहीं रहेगी। कुछ ठोस चीज़ें अगर आप लेती हैं तो बॉडी को फिर उसको पचाने में टाइम लगता है, तो उसमें वोमिटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। दूसरी बात का ध्यान रखिए, जो साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, जैसे नींबू पानी, संतरा हो गया, ये सभी चीज़ों से वोमिटिंग टेंडेंसी कंट्रोल होता है, यानी वोमिट को कंट्रोल कर सकती हैं कुछ हद तक। लेकिन फिर भी अगर इन सभी चीज़ों के बाद भी वोमिटिंग होती रहे और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही हो, पानी पीने पे भी वोमिटिंग है, तो फिर आप डॉक्टर से मिलिए, आपको एक छोटी सी गोली दी जाएगी और सुबह ये खाली पेट आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ खाना है या पीना है। वोमिटिंग होने के कंडीशन में आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो पानी को अच्छी मात्रा में पीते रहना है, आपको जूस का भी सेवन करना है और फ्रेंड्स, हो सके तो डॉक्टर से कुछ ऐसी घोल आती हैं जो पानी में डाइल्यूट करके आप पी सकती हैं जिससे कि एनर्जी मिलती है इंस्टेंट लेवल पे, तो वो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो पाउडर आता है जिससे आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी और आपकी कमजोरी भी दूर होती है, तो ऐसे कुछ पाउडर डॉक्टर भी रिकमेंड कर देंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, फल फ्रूट खाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि फल फ्रूट में बहुत ज़्यादा अच्छे से फाइबर होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को
टॉपर और बेहतर बनाती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बिगड़ी हुई होती है। और इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि वोमिट होना या ना होना इससे बच्चे का लड़का होगा या लड़की होगी इसका पता लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल प्रेगनेंसी में होने वाला एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है जिसे हर महिला महसूस कभी ना कभी किसी न किसी मंथ में ज़्यादा या कम कर सकती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। आप इस तरह से अगर वोमिटिंग को बहुत आसानी से समझ जाएंगी और अपने आप पे ध्यान देंगी तो इस परेशानी को समय रहते हुए आप क्योर कर सकती हैं। अगर और भी कुछ आप इस वीडियो से रिलेटेड जानना चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं और मेल कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेगनेंसी के कंसीव की हुई महिलाओं तक फॉरवर्ड भी करते रहिए यानी शेयर करते रहिए ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। और अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रही हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको डेली इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो अपना पूरा ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए और पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।